आज हम एस्टीरियाज या स्टारफिश के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत एस्टीरियाज, इकाइनस और कुकुमेरिया, तीन एनिमल्स की, इन तीनों एनिमल्स की टाइप स्टडी आपको करनी है, यानी कि इन तीनों एनिमल्स के बारे में डिटेल में आपको हैबिट, हैबिटेट, स्ट्रक्चरल फीचर्स, सारे सिस्टम्स का अध्ययन करना है। एस्टीरियाज या स्टारफिश संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है, और सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका। इकाइनोडर्मेटा, संघ इकाइनोडर्मेटा, जिसके अंतर्गत स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स आते हैं, और क्लास है एस्टेरॉइडिया। एस्टेरॉइडिया के अंतर्गत स्टारफिशेज या सी स्टार्स आते हैं, और इन एनिमल्स में पांच भुजाएं पाई जाती हैं जो कि शार्पली मार्क्ड ऑफ नहीं होती हैं सेंट्रल डिस्क से। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज सेंट्रल डिस्क, और ये भुजाएं शार्पली मार्क्ड ऑफ नहीं हैं। तो और कैरेक्टर्स हैं, ट्यूब फीट पाए जाते हैं, एम्बिलिकल ग्रूव्स में स्थित होते हैं, सकर्स पाए जाते हैं, पेडिसिलरी होते हैं, मेड्रिपोराइल पोराइट एबोरल सरफेस पर होता है, और ऑर्डर है फॉर्सिपुलेटा। अब हम पढ़ेंगे इसके हैबिट हैबिटेट के बारे में। एस्टीरियाज या सी स्टार्स को हम, एस्टीरियाज का कॉमन नेम है सी स्टार्स, या हम इसे स्टार फिशेस भी कहते हैं। तो ये फ्री लिविंग मेराइन एनिमल्स होते हैं, और ये मडी बॉटम्स या सैंडी या मडी बॉटम्स पर पाए जाते हैं। ये क्रॉल करते हैं। ये यहाँ वीडियो में हम देख सकते हैं मूवमेंट करते हुए इन्हें। तो ये जो भी समुद्र मैराइन एनिमल्स होते हैं, और ये बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं ट्यूब फिट की मदद से। ये हम देख सकते हैं इनको मूवमेंट करते हुए। और ये कार्निवोरस होते हैं, क्रस्टेशियंस, पॉलीकिट्स, मॉलस्क इत्यादि पर ये फीड करते हैं। इनमें रीजेनरेटिव एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब पुनरुद्भवन की क्षमता इनमें बहुत अच्छी होती है। सिलेबस में अनेक एनिमल्स की टाइप स्टडी है, मतलब कई सारे आर्थ्रोपोडा से लेकर सेकेंड ईयर में आपको बेलनोग्लॉसिस तक, आपको मेरे ख्याल में 13 एनिमल्स की टाइप स्टडी करनी है। तो वो बहुत ज्यादा कुछ स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो मैं यही कहूंगी कि पहले रिलेटेड फाइलम के क्लासिफिकेशन को जरूर समझें आप। जैसे हम ये एस्टीरियाज की स्टडी कर रहे हैं अभी, तो आप पहले इकाइनोडर्मेटा के क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से समझें। इसके लिए आप इससे पहले जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं, या जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, बुक इत्यादि, तो उनकी हेल्प से आप चार्ट बना सकते हैं, या वीडियो से आप स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये काम आप जरूर कीजिए, क्लासिफिकेशन को जरूर समझे आप, कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन को। उसके बाद आप पर्टिकुलर एनिमल के बारे में डिटेल में स्टडी कीजिए, यानी कि टाइप स्टडी कीजिए। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एस्टीरियाज का ओरल एंड अबोरल सरफेस हम देख सकते हैं।
ये तो है एबोरल सरफेस एंड दिस इज ओरल सरफेस जिस पर माउथ है. जिस व्यू में माउथ दिख रहा है वो है ओरल व्यू और ये है एबोरल व्यू. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पाया जाता है इन एनिमल्स में. पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री से हमारा तात्पर्य है पंचभागी अरीय सममित. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्टीरियास का लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है लेकिन एडल्ट्स जो होते हैं वो अरीय सममित होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक केंद्रीय डिस्क पाया जाता है. देर इज अ सेंट्रल डिस्क, ये हम देख सकते हैं सेंट्रल डिस्क है. और सेंट्रल डिस्क में से पांच भुजाएं निकली हुई दिख रही हैं, पांच भुजाएं निकली हुई दिख रही हैं. और व्यास इनका लगभग, साइज इनका 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक का होता है, कुछ बड़े भी हो सकते हैं. और कई एनिमल्स बहुत कलरफुल होते हैं. तो इनमें ओरल और अबोरल सरफेस इजीली, बहुत ही क्लियरली डिफरेंशिएट किया जा सकता है. अब हम एक एक करके, सबसे पहले हम देखते हैं ओरल सरफेस. तो जो लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी है जो कि सबस्ट्रेटम के सामने है उसे हम ओरल सरफेस कहते हैं. मतलब शरीर की चपटी निचली सतह जो आधार तल की ओर रहती है उसे हम ओरल सरफेस या मुखीय सतह कहते हैं. और इस सतह पर केंद्रीय बिंब के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे मुख कहते हैं, माउथ कहते हैं. यह पंचभुजीय छिद्र होता है. पेंटागोनल अपर्चर होता है. यह ये है, दिस इज ओरल व्यू. और ओरल व्यू इस, ये वाला जो ओरल जो साइड है ये सबस्ट्रेटम की तरफ होता है. और यहाँ बीचों बीच हम माउथ देख सकते हैं. ये पंचभुजीय होता है छिद्र. माउथ प्रत्येक, माउथ के प्रत्येक एंगल से एक सकरी खांच निकलती है जिसे हम एम्बुलेटरल ग्रूव कहते हैं. और प्रत्येक खांच के दोनों ओर एम्बुलेक्रल स्पाइन्स पाए जाते हैं जो कि ग्रूव को ढकने में सक्षम होते हैं. और इन स्पाइन्स के बाहर 3 रोज इमूवेबल स्पाइन्स के पाए जाते हैं. प्रत्येक एम्बुलेक्रल ग्रूव में 2 डबल रो पाए जाते हैं ट्यूब फीट के, जिनमें सकर पाए जाते हैं. ये ट्यूब फीट हम देख सकते हैं. ट्यूब फीट बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इकाइनोडर्म्स का. और इनका कार्य है लोकोमोशन भी है, कैप्चरिंग ऑफ फूड भी है और रेस्पिरेशन के भी काम आते हैं. तो इस प्रकार से ट्यूब फीट मल्टीफंक्शनल होते हैं, लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग और श्वसन.
एबोरल सरफेस की हम बात करें, ये तो हमने बात की थी, अभी ओरल सरफेस। ओरल सरफेस पर ये सारी संरचनाएं हमें दिखती हैं। माउथ जो कि पंचभुजीय होता है, एम्बुलेक्रल ग्रूव्स पाए जाते हैं, ट्यूब फीट पाए जाते हैं, और ये है एबोरल सरफेस। तो एबोरल सरफेस की संरचना, ये ऊपर ही ऊपर एनिमल का जो ऊपर का भाग जो हमें दिखता है वो है एबोरल सरफेस, और ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है, मतलब उत्तल होता है। इस पर बहुत सारे कैल्केरियस स्पाइंस पाए जाते हैं जो कि इमोवेबल होते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं करते हैं वो। और ये इररेगुलर रोज में अरेंज्ड होते हैं, तो इस पर कैल्केरियस स्पाइंस पाए जाते हैं जो कि इमूवेबल होते हैं, और इन स्पाइंस के मध्य बीच बीच में पेडिसिलरी पाए जाते हैं। ये जो स्पाइंस हैं इनके बीच बीच में पेडिसिलरी पाए जाते हैं। ये यूज पेडिसिलरी का कार्य है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और ये जंतु को स्वच्छ रखने में भी हेल्प करते हैं। तो पेडिसिलरी के दो काम हैं, ये जंतु को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं और जंतु को स्वच्छ रखने में भी हेल्प करते हैं, मतलब जंतु की जो बॉडी सरफेस है उसकी क्लीनिंग में हेल्प करते हैं, उसकी शरीर की सतह की क्लीनिंग में हेल्प करते हैं और जंतु को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। तो पेडिसिलरी जो है वो ओरल सरफेस पर भी पाए जाते हैं, ओरल सरफेस पर भी पाए जाते हैं, और एक और छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो दोनों ही सतहों पर पाई जाती हैं। वो छोटी फिंगर लाइक हॉलो रिट्रेक्टाइल प्रोसेसेस होती हैं, डर्मल ब्रैंकिया या गिल कहते हैं या पैपुले कहते हैं इनको। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है, हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेड्रिपोराइट है, ये पाया जाता है एबोरल सरफेस पर नजर आता है, और ये दो मध्यों दो भुजाओं के मध्य हम देख सकते हैं ये स्थित है। तो ये मेड्रिपोराइट एक छन्नी जैसी प्लेट है, और इसमें अभी हम जब वाटर वास्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका कार्य क्या होता है। एक छोटा सा अपर्चर एनस भी स्थित होता है एबोरल सतह पर। तो हम देख सकते हैं ओरल पर तो माउथ पाया जाता है और एबोरल पर एनस है। अब हम बात करेंगे पेडिसिलरी के बारे में। ये हम देख सकते हैं पेडिसिलरी का चित्र है, और ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, जबड़े जैसे ही होते हैं आकार के, जॉ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और दोनों सतह पर पाए जाते हैं पेडिसिलरी, ओरल पर भी अबोरल पर भी पाए जाते हैं। इसमें एस्टीरियास में ब्रिंथ पाया जाता है पेडिसिलरी में, और
पेडिसिलरी का फंक्शन है, जो भी मलबा आ जाता है बॉडी सरफेस पर उसको क्लीन करते हैं पेडिसिलरी, और ये जो पेडिसिलरी है ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं स्टारफिश को। बॉडी वॉल की यदि हम बात करें तो एपिडर्मिस पाया जाता है, और पूरा शरीर एपिडर्मिस द्वारा ढका रहता है, और जहाँ जहाँ स्पाइन्स होते हैं वहाँ सिर्फ एपिडर्मिस वेयर ऑफ कर जाता है। एपिडर्मिस के ऊपर एक पतला सा क्यूटिकल पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस पाया जाता है, उसके नीचे मस्कुलर लेयर पाया जाता है, और सबसे आंतरिक लेयर होता है पेराइटल पेरिटोनियम का। एंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल की हम बात करते हैं, ये मेसोडर्मल स्ट्रक्चर है। एस्टीरियास में जो अंतः कंकाल होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, और इसमें इसके अंतर्गत अनेक कैल्केरियस ऑसिकल्स पाए जाते हैं जो कि डर्मिस द्वारा सिक्रीट किए गए हैं, और ऑसिकल्स स्पाइन्स के रूप में होते हैं, प्लेट्स के रूप में होते हैं। मुख के चारों ओर 5 ओरल ऑसिकल्स पाए जाते हैं। सीलोम इसमें इंटरोसील प्रकार का होता है, सी स्टार्स में सीलोम एंटरोसील प्रकार का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम सी स्टार्स में एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है, और अभी हम चित्र देखते हैं तो एस्टीरियास के पाचन तंत्र के अंतर्गत माउथ ईसोफेगस स्टमक पाया जाता है, और स्टमक के अंतर्गत कार्डियक स्टमक पाया जाता है, पाइलोरिक स्टमक पाया जाता है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन छोटा सा 5-sided ट्यूब होता है जो कि एनस द्वारा बाहर खुलता है। सी स्टार्स जो होते हैं ये मेराइन एनिमल्स पर फीड करते हैं, छोटे छोटे स्नेल्स, क्रैब्स, वर्म्स एक्सेट्रा, और छोटी फिशेस भी खा सकते हैं ये, तो प्रे को ये कैप्चर करते हैं, जो भी शिकार होता है कैप्चर करते हैं, और ये अपने भुजाओं और ट्यूब फीट द्वारा पकड़ लेते हैं प्रे को। और फिर ये मुख से अंदर ले लेते हैं। हम बात यहाँ पर ये चित्र है, इस चित्र में प्रदर्शित संरचना प्रदर्शित की गई है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं।
ये कार्डियक स्टमक है, वाटर वास्कुलर सिस्टम अति विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इकाइनोडर्म्स का, और वाटर वास्कुलर सिस्टम की सहायता से लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प मिलती है इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स को। यह इनफैक्ट मॉडिफाइड पार्ट है सीलोम का, और इसके अंतर्गत कैनाल्स का एक सिस्टम पाया जाता है जिसमें सी वाटर समुद्री जल एवं अमीबॉइड सेल्स पाए जाते हैं। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम यूनिक सिस्टम है इकाइनोडर्म्स का, ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, मूवमेंट करने में हेल्प करता है लोकोमोशन में, और ये एक मॉडिफाइड पार्ट है सीलोम का जिसमें कि एक सिस्टम है कैनाल्स का, और इन कैनाल्स में समुद्री जल पाया जाता है और अमीबॉइड कार्पसल्स पाए जाते हैं। ये सारे जो कैनाल्स होते हैं उनके वॉल्स मस्कुलर होते हैं, और ये आंतरिक जो दीवार होती है वो सिलिएटेड एपिथीलियम द्वारा आस्तरित होती है, लाइंड होती है। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? सबसे पहला तो है मैड्रिपोराइट, ये एक छन्नी जैसा कैलकेरियस प्लेट होता है, सीव लाइक कैलकेरियस प्लेट होता है, और ये एबोरल सरफेस सेंट्रल डिस्क के एबोरल सरफेस पर स्थित होता है। दो एडजेसेंट आर्म्स के इंटररेडियस पर पाया जाता है, और इसकी सतह पर बहुत सारी ऐसी खांचे पाई जाती हैं पतली पतली सी। प्रत्येक जो छिद्र है खांचे पाई जाती हैं पतली पतली सी, और उनमें मतलब बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो प्रत्येक जो छिद्र है, प्रत्येक पोर या छिद्र एक पोर कैनाल तक जाता है, मतलब लीड करता है, इट लीड्स इनटू ईच पोर लीड्स इनटू पोर कैनाल, और पोर कैनाल्स यूनाइट होकर के बड़े कलेक्टिंग कैनाल्स बनाते हैं। कलेक्टिंग कैनाल्स एम्पुला को लीड करते हैं जो कि मैड्रिपोराइट के नीचे पाया जाता है। एम्पुला लीड करता है स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल को हम मैड्रिपोरिक कैनाल भी कहते हैं। एस शेप ट्यूब होता है ये, और ये ओरल साइड में खुलता है, ओरल साइड में रिंग कैनाल में खुलता है ये। तो स्टोन कैनाल एक्सियल ऑर्गन अलोंग विद एक्सियल ऑर्गन इज इंक्लोज्ड इन अ सिलोमिक सैक जिसे हम एक्सियल साइनस कहते हैं। ये तीनों मिलकर एक्सियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब टिडमैन्स बॉडीज क्या हैं? इनको हम रेजिमोस ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये छोटे छोटे येलोइश गोलाकार राउंड गोलाकार येलोइश ग्लैंडुलर सैक्स होते हैं जो कि रिंग कैनाल में खुलते हैं। रिंग कैनाल एक चौड़ा सा पेंटागोनल कैनाल होता है जो कि ईसोफेगस के चारों रिंग बनाता है, और टिडमेंट्स बॉडीज ये रिंग कैनाल में खुलते हैं। एक टिडमेंट बॉडी पाया जाता है, वन टिडमेंट बॉडी There is one tidman body between each radius and inter radius. कुल मिलाकर 9 tidman body पाए जाते हैं। तो इसके जो tidman bodies का function clear नहीं है। Two feet, दो double rows
पाए जाते हैं ट्यूब फीट के ईच प्रत्येक भुजा में, और प्रत्येक ट्यूब फीट एक बंद थिन वॉल्ड ट्यूब के रूप में पाया जाता है। प्रत्येक ट्यूब फीट के तीन पार्ट्स हैं, एक गोलाकार थैलेनुमा एम्पुला जो कि, और नेक्स्ट पार्ट है मिडिल ट्यूबुलर पोडियम, और तीसरा पार्ट है कप के जैसा सकर चूषक जो कि पोडियम के बिल्कुल लोअर एंड पर पाया जाता है। तो ट्यूबफीट की दीवार में बहुत ही मजबूत लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं। ओवरऑल जो वाटर वास्कुलर सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो होता है लोकोमोशन में हेल्प करना। और ये किस तरह से करता है हेल्प? ये हाइड्रोलिक प्रेशर मैकेनिज्म द्वारा लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो जो ट्यूपल के जो ट्यूब फीट के जो थिन पतली पतली दीवारें होती हैं वो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में योगदान देती हैं। ट्यूब फीट कैप्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। और वैसे वाटर वास्कुलर सिस्टम अलग से डिटेल में टॉपिक है, तो उसमें हम करवा देंगे, डिटेल में स्टडी हम करेंगे। ये आप डायग्राम अच्छी तरह से स्टडी कर लें। ये हम देख सकते हैं, ये छन्नी के आकार का मेट्रिपोराइट है, छन्नी के जैसा मेट्रिपोराइट है, ये स्टोन के नाल है, और दिस इज एम्प्यूला पोडियम सकर है, ये ट्यूब फीट के पार्ट्स हैं, टिडमैन्स बॉडी, ये रिंग केनाल है, लेटरल केनाल, और ये रेडियल केनाल। ये क्रॉस सेक्शन थ्रू एन आर्म ऑफ स्टारफिश। तो सारे स्ट्रक्चर्स हमें डिटेल में हम देख सकते हैं इसमें।